तो यह है सैमसंग A52 4G और फाइनली इसके लिए भी One UI 6.1 का ऑफिशियल अपडेट मिल चुका है। यहाँ पर मैंने अपडेट कर लिया है, मैंने अपडेट 29 मई को ही अब कर लिया था जब ये अपडेट मिला था। तो मैं लगातार इसको यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स मिले हैं दोस्तों इस अपडेट के अंदर। तो सभी फीचर्स के बारे में डिटेल में मैं बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। साथ ही चैनल पे यदि आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। तो आपको लॉक स्क्रीन पे प्रेस एंड होल्ड करना है और उसके बाद लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें नए कस्टमाइजेशंस के फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहला तो है फ्रेम और इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रेम की। तो यहाँ पर आप अलग अलग फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग शेप में डिज़ाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट है। यहाँ पर आपको कलर मिल जाता है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, आपको अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप और भी बेटर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन को। इसके अलावा यहाँ से आप और भी कलर्स चेंज कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड का कलर है तो कुछ इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला चेंज तो यही है। इसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट चेंज, जो कि है विजिट का। तो यहाँ पर अगर आप विजिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन में अब आप विजिट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे बैटरी विजिट हो गया, यहाँ पर वेदर विजिट हो गया, यहाँ पर करंट वेदर टेम्परेचर बताएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर हो गया, यहाँ पर क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया। ये सभी विजिट्स हमें देखने को मिलते हैं अभी। इन फ्यूचर और भी विजिट्स ऐड होंगे दोस्तों। तो कुछ इस तरह से विजिट भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया। क्लॉक पे टैप करते हैं तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे क्लॉक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर शो वेदर इन्फॉर्मेशन, वेदर इन्फॉर्मेशन भी आप शो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लॉक फॉन्ट्स भी मिल जाते हैं काफ़ी सारे। यहाँ पर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो और भी फॉन्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे नए कस्टमाइजेशंस के फीचर्स मिल जाते हैं दोस्तों। तो आप इजीली और भी बेटर तरीके से लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल में, चेंज वॉलपेपर में, तो यहाँ पर आपको दो नए वॉलपेपर्स मिल जाते हैं ग्राफिकल में, जो कि पहले तीन ही वॉलपेपर्स थे, दो नए वॉलपेपर्स ऐड किए गए हैं। तो आप कुछ इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका लुक देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल वॉलपेपर है दोस्तों। तो यहाँ पर दो नए वॉलपेपर्स भी इस बार ऐड किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप जाते हैं फ़ोन ऐप में, तो यहाँ पर जो डिटेल्स शो करते हैं उसका हल्का सा लुक इस बार चेंज किया गया है पिछले वर्जन्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर अगर आप डिटेल्स में जाते हैं, कॉल डिटेल में, तो यहाँ पर उसका भी हल्का सा लुक चेंज किया गया है। इसके अलावा आप जब कॉल करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन शो करता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट कॉल का एक फीचर है, तो यहाँ पर टेक्स्ट कॉल आप इजीली कर सकते हैं। पहले इसका इंटरफेस कुछ दूसरा तरह से था, लेकिन इस बार हल्का सा रीडिज़ाइन किया गया है इसको भी इस नए अपडेट के अंदर। इसके अलावा लाइव ट्रांसलेट का फीचर तो ऐड नहीं किया गया है, ये स्पेशली इस सीरीज के फ्लैगशिप डिवाइसेस के लिए है। तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पर अगर आप किसी वीडियो को एडिट करते हैं गैलरी में, तो यहाँ पर एक नया इंटरफेस मिल जाता है एडिटिंग का। यहाँ पर आप वीडियो की स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे 0.5x हो गया, 2x हो गया, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप किसी जगह पर चाहते हैं कि यहाँ पर 0.5x स्पीड हो, किसी जगह पर चाहते हैं कि 2x स्पीड हो, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो स्प्लिट कीजिएगा वीडियो, उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं स्प्लिट करके। तो यहाँ पर एक नया एडिटिंग फीचर इस बार ऐड कर दिया गया है One UI 6.1 अपडेट के अंदर। इसके अलावा एक फीचर मिसिंग है दोस्तों, जो कि है इमेज क्लिपर का। ये फीचर शुरू से ही नहीं है, हालांकि A53 A54 में है, तो इमेज क्लिपर नहीं है। तो यहाँ पर इमेज को आप एक इमेज से दूसरे इमेज में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये फीचर हमें देखने को नहीं मिलता है। अगला फीचर है डिवाइस केयर का। तो डिवाइस केयर में बैटरी में यहाँ पर बैटरी प्रोटेक्शन का फीचर दे दिया गया है। पहला है यहाँ पर बेसिक,
तो बेसिक में क्या होगा कि मान लीजिए आपका डिवाइस 100% चार्ज है तो उसके बाद चार्जिंग स्टॉप हो जाएगा और 95% बैटरी डिस्चार्ज होने पर यहाँ पर ऑटोमेटिक फिर से यहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है एडेप्टिव, तो यहाँ पर आपके फ़ोन यूसेज के हिसाब से कि आप कितना अपने डिवाइस को यूज करते हैं और आपके स्लीप साइकिल के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ़ोन आपका चार्ज होगा, ये दूसरा है एडेप्टिव। तीसरा है मैक्सिमम, तो ये फीचर तो वन यू आई 4.1 से ही है। मैक्सिमम में क्या होगा कि 80% के बाद आपका फ़ोन चार्ज ही नहीं लेगा दोस्तों। तो तीन मोड्स मिल जाते हैं बैटरी प्रोटेक्शन में जो कि इस बार ऐड किए गए हैं इस नए अपडेट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं सेटिंग्स में। जैसे बात करें तो यहाँ पर मोड्स एंड रूटीन्स में अगर आप जाते हैं तो आप मोड्स एंड रूटीन्स को इजीली आप मूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हैं जो कि पहले आप डिलीट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप डिलीट भी कर सकते हैं, ये नया फीचर ऐड किया गया है। इसके अलावा अगर आप जाते हैं विजिट्स में तो यहाँ पर मोड्स एंड रूटीन्स का एक नया विजिट दे दिया गया है। यहाँ पर जैसे सिंगल मोड हो गया, तो यहाँ पर जैसे मैं स्लिप मोड करता हूँ तो यहाँ पर आप वन टैब में मोड्स एंड रूटीन्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे स्लिप मोड यहाँ पर टॉगल मैंने ऐड किया हुआ तो आप इजीली ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये नया विजिट ऐड किया गया है इस नए अपडेट के अंदर। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर फीचर्स ऐड किए गए हैं, तो यहाँ पर जैसे आप जाते हैं क्लॉक ऐप में तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं अलार्म का। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको परमिशंस को अलाउ कर देना है, यहाँ पर आपको परमिशंस पर चले जाना है और फोटोज़ एंड वीडियोस का परमिशन दे देना है। और उसके बाद यहाँ पर आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, आपको 5 नए वीडियो वॉलपेपर मिल जाते हैं कुछ इस तरह से, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं या फिर आप गैलरी से भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लॉक पे टैप कीजिएगा तो 3 क्लॉक स्टाइल मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग क्लॉक स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अलार्म के बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हैं इजीली, ये नया फीचर ऐड किया गया है वन यू आई 6.1 अपडेट के बाद। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं जो कि है पॉपअप विंडो में, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आपने ओपन किया, जैसे मैं यहाँ पर गैलरी ओपन करता हूँ और उसके बाद मैं सेटिंग्स ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया पॉपअप विंडो में और इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पर मैं जब टैप करूँगा तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो जैसे आपने यहाँ पर बंद किया था उसी प्रकार से यहाँ पर ओपन होगा, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये नया फीचर ऐड किया गया है वन यू आई 6.1 अपडेट के बाद। तो ये कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं A52 4G में वन यू आई 6.1 अपडेट के बाद। हालांकि AI के फीचर्स यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे सर्कल टू सर्च, AI जनरेटिव वॉलपेपर, ये सभी फीचर्स नहीं हैं, लेकिन जो यहाँ पर बेसिक फीचर्स हैं वन यू आई 6.1 के वो मिल जाते हैं दोस्तों। तो अपडेट कीजिए अपने डिवाइस को। तो यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।